हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है मैं सबसे तेज़ दौड़ना चाहती हूँ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनिस के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया, जिस वजह से वह पोलियो से ग्रसित हो गई। उन्हें पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टर के अनुसार वो अब कभी चल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी और कहती थी कि भगवान की दी हुई योग्यता और दृढ़ता से वह कुछ भी कर सकती हैं। विल्मा बोली, मैं इस दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। डॉक्टरों के सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टर ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आई। और उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिरी आती रही, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे दौड़ती रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रेस में फर्स्ट आ गई। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जिनका नाम एड टेम्पल था। उन्होंने कोच से कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और उसके अलावा मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा।